स्वादिष्ट और लाजवाब खीर बनकर तैयार है। आप इसे ठंडा करके भी खाएं, फ्रीज में आप इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। नमस्कार, मैं आशा विजयवर्गीय आशा की कुकबुक स्वाद के संसार में आपका स्वागत करती हूँ। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष में मैं खीर बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। कार्तिक महीना भी शुरू हो गया है, त्यौहार भी बहुत आने वाले हैं और दीपावली भी आ रही है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। मैंने 2 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रखा है। इसके लिए करीब 75 ग्राम चावल लिया है, जिसे मैंने 3-4 पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। जब दूध बॉयल होने पे आ जाएगा तब मैं चावल डालूंगी इसमें। दूध उबाल पे आ चुका है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी जो कि मैंने अच्छी तरह से धो के रखा है। इसका पानी निकाल देती हूँ। गैस को पहले मध्यम आंच में कर लेंगे। चावल डाल दिया, अब इसे हम कुछ देर तक लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि चावल नीचे पेंदे में लगे नहीं और गांठे भी नहीं पड़े। चलाते वक्त मैंने गैस को तेज भी कर लिया है। खीर को हम बीच में मध्यम आंच में करके उबलने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। दूध और चावल अच्छी तरह से उबल रहा है, चलाते वक्त मैं इसे तेज कर देती हूँ और फिर मध्यम आंच में करके छोड़ देती हूँ जिससे कि मैं और कोई काम कर लूँ। चावल के दाने भी कुछ दिख रहे हैं। खीर बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है और बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। खीर बनाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इसे मध्यम आंच में छोड़ के कुछ देर कुछ काम भी कर सकते हैं और बीच बीच में इसे तेज आंच में चलाते हुए उबाल भी सकते हैं। इसके लिए जो मैंने सामग्री ली है, 2 लीटर दूध लिया है मैंने और 75 ग्राम चावल है। मैं आपको चावल का मेजरमेंट के लिए एक टिप देती हूँ। आप चावल जब भी लें, आप वजन से नहीं नाप सकते हैं, तो इस तरह से मुट्ठी भर के ले लें। जनरल साइज में मुट्ठी में एक मुट्ठी 1 लीटर चावल के लिए सफिशियंट है, तो इस तरह से आप 2 मुट्ठी भर के ले लें और थोड़ा सा और ले सकते हैं। एक तरह से 2 लीटर दूध में आप 2 मुट्ठी और थोड़ा सा चावल और ले लीजिए। ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है और इससे आपका खीर बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि खीर बनाते वक्त अक्सर लोगों से होता है कि चावल कितना लें, कम ज्यादा हो जाने की वजह से कभी खीर पतली बन जाती है, कभी खीर गाढ़ा बन जाता है बहुत ज्यादा। आप इस मेजरमेंट से चावल लें और वजन के हिसाब से मैंने 2 लीटर के लिए 75 ग्राम लिया है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से मीठा कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं। केसर के 10-15 धागे मैंने दूध में भिगो के रख दिया। काजू, किशमिश, बादाम को मैंने पानी में भिगो लिया है, अब छील के मैं इसे बारीक काट लूंगी। इलायची पाउडर जिसे मैंने चीनी के साथ पीस के बनाया, ये मैंने आपको घेवर वाले वीडियो में बताया है। बस इस सामग्री से हमारा खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और आप भी इसे जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। खीर अच्छी तरह से उबलने लग गया, इसमें चावल भी देखिए उबाल पे आ चुका है, चावल हमारा पक गया है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा और जो ये किनारे पे मलाई जम जा रही है उसे हम हटाते जाएंगे, इसी में मिलाते जाएंगे। इस चम्मच पे भी जो मलाई है उसे भी आप हटाते जाएं। आप दूध कोई भी ले सकते हैं, पर अगर फुल क्रीम दूध लें तो ज्यादा अच्छा है। इसे और उबालना है। किशमिश करीब 20-25, बादाम जिसे मैंने भिगो के बारीक काट लिया है, करीब 8-10 बादाम है। बादाम को आप गर्म पानी में भिगो के आराम से छिलका उतार के काम में ले सकते हैं। केसर जो मैंने भिगो के रखा है, इसे हल्का सा कटोरी में मसल के और फिर मैं इसमें डाल दूंगी। आप अगर भिगो ही नहीं तो तुरंत भी आप डाल सकते हैं,
मैंने व्रत वाली खीर में तुरत भी डाल के दिखाया है आपको, क्योंकि वो उबलते उबलते उसका कलर अच्छा आ जाता है। मैंने आज आपको भिगो के दिखाया। व्रत में आप कौन सी खीर बनाएं उसका भी वीडियो शेयर किया है, आप जरूर देखें। इलायची पाउडर और चीनी अभी मैं थोड़ा रुक के डालूंगी, क्योंकि इसे मुझे अभी और गाढ़ा करना है। और चीनी डालने से पहले, जितना गाढ़ा हमें खीर चाहिए चीनी डालने से पहले उससे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा बनाऊंगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद खीर थोड़ा पतला हो जाएगा। खीर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इस वक्त हमें ध्यान रखना है, नहीं तो खीर हमारा फेंदे में लग जाएगा और जलने के बाद फिर खीर का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालूंगी। करीब 10 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाला है, आप मीठा थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वजन के हिसाब से देखें तो करीब 150 ग्राम चीनी मैंने इसमें डाला है। चीनी डालने के बाद इसे मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी, और ज़्यादा देर चीनी डालने के बाद उबालेंगे नहीं, चीनी घुल जाए। एक उबाल आने के बाद गैस को मैं बंद कर दूंगी। अब इसमें मैं इलायची पाउडर 2 छोटे चम्मच भर के डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। खीर हमारा तैयार है बिल्कुल। खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, हलवा, ये एक ऐसा खाना है जो हम कभी भी पूजा में, फंक्शन में बनाते हैं। मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स और टिप्स देती रहती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। चीनी अच्छी तरह से उबल चुका है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसे मैंने बाउल में खाली कर लिया है, अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं पिस्ता और बादाम के कतरन से। और कुछ केसर के धागे। स्वादिष्ट और लाजवाब खीर बनकर तैयार है। आप इसे ठंडा करके भी खाएं, फ्रीज में आप इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें और फिर इसके स्वाद का आनंद लें। आप इसे गर्म और ठंडा दोनों तरह से खा सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।